हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने घरों में व्यस्त होंगे। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगी कि आप सभी अच्छे हो, स्वस्थ हो, मस्त हो। और यहाँ देखिए, मैं अपने गांव में आई हूँ और गांव में आने के बाद जब मैं छत पे आई ना, मुझे इतना अच्छा व्यू लगा, इतना अच्छा व्यू लगा कि मैंने सोचा कि चलिए आप लोगों के साथ ये शेयर करते हैं। और काफ़ी टाइम के बाद मैं अपने गांव आई हूँ, तो यहाँ देखिए मेरी बेटी को कितनी मस्ती कर रही है यहाँ पे। इसको भी बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत इसको मन लग रहा है यहाँ पे। और पता है, आप लोग जो गांव से होंगे वो जानते ही होंगे, देख कमेंट कीजिएगा आप लोग कौन कौन इसको जानते हैं इस चीज़ को। इसको हमारे गाँव में खटिया बोला जाता है, बट मेरी बेटी अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम देखी है, तो उससे पूछे कि बेटा ये क्या है, तो बोल रही है कि मम्मा ये झूला है, इस पे झूलेंगे। और उसको वो झूला समझ रही है क्योंकि उसको नहीं पता है, वो कभी देखी नहीं है इसलिए। और ये हमारा मतलब गांव का घर है, तो हम ऊपर आए हैं, ऊपर में भी हमारा 3 रूम है और यहाँ से नीचे आंगन दिखा रहे हैं आपको। देखिए ये बच्चे, यहाँ पे बहुत मन लगा था इस बार, तो मुझे बहुत मन लगा। और हम लोग गांव इसलिए गए थे क्योंकि हमारी जेठ जेठानी का मैरिज एनिवर्सरी है 9 जून को, और मैं 8 जून को शाम में चली गई थी गांव। और यहाँ पे मैं देखिए साड़ी पहन के सिर पे पल्लू रख के आई हूँ छत पे। अभी मैं लगभग मतलब जब मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ, ये 8 जून का है, और आज मैं इसको जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो आज है 11 जून। और ये देखिए यहाँ पे चाय बन रहा है, और एक साइड ये बन रहा है पुआ, पूरी, लिट्टी, ये किसी को खाना भेजना था तो उसके लिए ये बन रहा है। और उधर वाले आंगन में, पीछे वाले आंगन में बन रहा था, हलवाई बना रहे थे, चिकन और जीरा राइस यही सब बनने वाला था। बाकी लोगों के लिए जो चिकन नहीं खाता है उसके लिए इधर खाना बना था। और ये हमारी ननद जी हैं तो वो सलाद काट रही थी, तो उन्होंने बोला कि मेरा भी लो। और वहाँ पे अंधेरा था तो मैंने उनका थोड़ा सा ही लिया। और यहाँ पे कर चल रहा है डेकोरेशन, तो यहाँ बच्चे डेकोरेशन कर रहे हैं। और सारा वीडियो जो है, सारा वीडियो जितना भी क्लिप जो निकाले हैं वो सारे बच्चे ही निकाले हैं, तो ये बच्चे ही। और यहाँ पे मेरे पति देव हैं, आप लोग देख सकते हैं, इनको भी देखिए। और यहाँ पे मेरी बेटी को देखिए, इसको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, तो ये देखिए क्या पहन के घूम रही है। और बच्चों को मैं दी थी रिकॉर्ड करने के लिए क्योंकि गांव है, मैं तो वहाँ निकल नहीं सकती हूँ बाहर, तो यहाँ पे वो लोग अंधेरा में जाके, देखिए यहाँ पे अंधेरा में वो क्या कर रहे हैं, आप लोगों को चिकन दिखा रहे हैं, बट आप लोग को दिखाई नहीं देगा क्योंकि बहुत ज़्यादा अंधेरा है उधर उस साइड जहाँ पर खाना रखा हुआ था। क्योंकि बारिश का मौसम है ना, बरसात का मौसम, तो कीड़ा बहुत ज़्यादा उड़ रहा था, बहुत ज़्यादा, तो खाना बनना बन गया था, सबको ढक के लाइट वाइट बंद कर दिया गया था ताकि खाना वाना में कीड़ा ना जाए। और बरसात के मौसम में आप सबको पता है कि पीछे वाला आंगन है और यहाँ से अंदर जाना है। गांव का भी घर हमारा काफ़ी बड़ा है, आप लोग देखिए। और यहाँ अब वो आ गए हैं किचन में, और ये हमारे एक नदिए हैं, तो यहाँ पे भी बन रहा था, इस किचन में भी बन रहा था, जो मतलब जो शाकाहारी होते हैं जिनको चिकन वगैरह नहीं खाना होता उनके लिए यहाँ पे खाना बन रहा है। और यहाँ पे मेरी सासू माँ है, वो शायद चाय पी रही थी बैठकर। पति देव को देखिए मेरे, सजावट देखिए। और ये बड़ा लड़का है जिनकी मेरे मतलब मेरी जेठानी का, और ये इनका मैरिज एनिवर्सरी है, तो अब केक कटने जा रहा है। सो प्लीज़ आप लोग अपना आशीर्वाद और बर्थडे विश अच्छे से कीजिएगा, और आप लोग प्लीज़ इंजॉय कीजिए। आप लोग को पता है कि यहाँ पे मैं कुछ बोलना नहीं चाह रहा हूँ, आप लोग इन्जॉय कीजिए बर्थडे पार्टी। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा मेरा गांव, कैसा लगा। मैं और कुछ नहीं दिखा पाई, ज़्यादा कुछ तो मैं गांव का नहीं दिखा पाई क्योंकि मैं गांव में बाहर मुझे निकलना भी नहीं था, और मैं रुक भी नहीं पाई, एक दिन ही रुकी थी, तो मैं कुछ नहीं दिखा पाई आप सबको। तो प्लीज़ आप सब पहले पार्टी इन्जॉय कीजिए।
और यहाँ पे सब खाना खा रहे हैं। देखिए चिकन चावल, जो चिकन खाने वाले वो उधर खा रहे हैं और जिनको चिकन नहीं खाना है वो इधर खा रहे हैं। और चिकन जो नहीं खाते हैं उनके लिए बना था पुआ, लिट्टी और सब्जी। और चलिए इसी के साथ इस वीडियो करते हैं एंड, और मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। और ये मेरा वीडियो एकदम छोटा सा था।